थकना कहाँ हमारे किस्मत में, हम तो बस यूं ही चलते रहते हैं, यूं ही दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। उजाला हो कितना ही या अंधेरा घना हो, ये हमारी मेहनत है जो निरंतर हम यूं ही करते रहते हैं, चलते रहते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो मंजिल है हमारी वो कितनी मुश्किल है और कितनी दूर है, और जब दूरी ज़्यादा है तो उसका जो रास्ता तय करना है वो भी हम ही को करना है। हियर दे आर, ये गर्ल्स, आप एक आवाज़ सुन रहे होंगे, वॉय वॉय वॉय, ये सिग्नल है। सबसे आगे दीपक जो गोलकीपर है और B3 कैटेगरी का है, उसके पीछे आप देख रहे हैं सारे B1 हैं, B1 यानी कि टोटली ब्लाइंड, विजुअल इम्पेयरमेंट, टोटल एब्सेंस ऑफ साइट। अक्सर हम स्पोर्ट्स में इसलिए बोलते हैं ब्लाइंड क्योंकि हम ब्लाइंड क्रिकेट खेलते हैं, ब्लाइंड फुटबॉल खेलते हैं, और जब हम किसी और चीज़ की बात करते हैं तो वी से विजुअल इम्पेयरमेंट। बस यही अंतर है टर्मिनोलॉजी का, बाकी सब सेम है। अनुष्का और उसका गाइड रनर शोभित ग्राउंड को ऑक्यूपाई करते हुए किस तरह से, इसमें दोनों चीज़ है, ओरिएंटेशन भी हो रहा है ग्राउंड का और साथ में वर्कआउट। वेडनेसडे है लॉन्ग है, जब आपके पास गाइड रनर ज़्यादा नहीं होते तो उसके बाद इस तरह से चलना होता है। इस तरह से हम कर सकते हैं विजुअली इम्पेयर्ड जो हमारे पैरा एथलीट्स हैं उनके साथ में। ये अंदर वाले कैसे रुके भाई, मैंने क्या बोला था? चलो चलो चलते रहो चलते रहो। सबस ये बाहर के लिए विजिल, जो स्पीड वर्क बाहर कर रहे हैं उनके लिए विजिल। सो जो नेशनल के लिए जा रहे हैं, पैरा नेशनल के लिए, वो लोग बाहर हैं और उनके लिए उनका स्पीड वर्क है तो उनका अलग है, इस तरह से ट्रेन करते हैं। स्टार्ट विद स्लो, ये है ये चारों, अगर आप देखेंगे तो ये जा रहे हैं इनका स्पीड वर्क, और दूसरी तरफ यहाँ पर वो हैं जो अभी शुरू किया जिन्होंने रिसेंटली 10-10-2। सो इस तरह से हम वर्कआउट करते हैं। ये हमारी मॉर्निंग्स रहती हैं यहाँ पर NIPBD देहरादून, राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण देहरादून में। आप लोगों को दिखाने का मकसद एक ही है कि पहचानिए, जानिए और किस तरह से हम लोग काम करते हैं, और किस तरह से आप लोग भी जो देखने वाले हैं जो विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ में हैं उनके साथ में कैसे काम कर सकते हैं, कैसे हम लोग पैरा एथलीट्स को और जो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको तैयार कर सकते हैं। जो अंदर कर रहे हैं ये सारे ब्लाइंड फुटबॉलर्स हैं, और जो बाहर कर रहे हैं वो पैरा एथलीट्स जो कि T11-T13 कैटेगरी में खेलते हैं, और अंदर B1 और गोलकीपर क्योंकि साइटेड होता है, लेकिन हमारे पास पार्सली हैं तो हम उन्हीं को ज़्यादातर साथ में प्रैक्टिस कराते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नया लेकर, कुछ और ख़ास लेकर।